पास एक मोबाइल फोन आया, ये ओप्पो का A54 मोबाइल फोन है। ओप्पो का A54 मोबाइल फोन है। इस मोबाइल फोन के अंदर जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि इसमें से FRP लॉक लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो मैं नेक्स्ट करके दिखाता हूँ FRP लॉक क्या होता है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। और आज हम लोग इसको डोंगल के माध्यम से कैसे तोड़ेंगे उसका तरीका समझेंगे। कस्टमर ने मोबाइल फोन को रीसेट कर दिया है, रीसेट करने के बाद उसमें FRP लॉक लग गया है। ये देखिए यहाँ पर स्किप का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है। जीमेल आएंगे डालोगे तभी आगे जा सकते हो, नहीं तो आगे नहीं जा सकते। तो इसका मतलब इसमें FRP लॉक लगा है। इस FRP लॉक को तोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको बैक होना पड़ेगा। बैक होने के लिए फोन हमको स्विच ऑफ करना पड़ेगा, फोन पावर बंद करेंगे। पावर बंद करने के बाद ये हमारा डोंगल का सॉफ्टवेयर आता है, इस सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फिर हम लोग इसमें मोबाइल फोन की कनेक्टिविटी कराएंगे। देखिए मैं इसको सिस्टम से कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को मोबाइल फोन को ठीक करके दिखाता हूँ। तो ये जो सॉफ्टवेयर आता है आप इसमें से खोल लेंगे। खोलने के बाद यहाँ पर डिसेबल पे या तो प्री लोडर मोड, दो मोड से कर सकते हैं, या तो इससे कर सकते हैं या तो इससे कर सकते हैं। पहले हम ये लेंगे। ये लेने के बाद यहाँ पर जा करके हम लोग रीसेट FRP पे क्लिक करेंगे। रीसेट FRP पे क्लिक करने के बाद इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। जैसे एग्जीक्यूट कर देंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा। जब हमारा सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा तो अब हमको क्या करना है, मोबाइल फ़ोन का प्लस माइनस बटन दबाना है और डाटा केबल को इसके अंदर लगा देना है। जैसे डाटा केबल को इसके अंदर आप इंसर्ट करेंगे तो देखिए आपका मोबाइल फ़ोन पोर्ट बना चुका है और आपका मोबाइल फ़ोन कनेक्ट हो गया है और ऑपरेशन चालू हो गया। यहाँ पर मीडिया टेक प्री लोडर USB कॉम कनेक्टेड रूम मोड आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ने के बाद अगर उसमें कोई सॉफ्टवेयर करते समय कोई एरर आ जाता है या किसी वजह से कोई ड्राइवर मिस हो जाता है तो भी आप उस चीज़ को जैसे ब्रूम मोड से किया था फिर आप प्री लोडर मोड से करेंगे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मोबाइल फोन हमारा ऑन हो चुका है। तो ये मोबाइल फोन हमारा फिनिश हो गया। फिनिश होने का मतलब क्या है कि ये मोबाइल फोन का लॉक नहीं खुला, भी फेल्ड हो गया। फेल्ड होने का मतलब क्या है, हमने जब ब्रूम मोड से किया तो ब्रूम मोड से इसका रिजल्ट नहीं आया। अगर अभी भी देखेंगे इसमें FRP लॉक लगा है क्योंकि टूटा ही नहीं। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब ये जीमेल आईडी को कंफर्म कर रहा है। अब जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं सारे मोबाइल फ़ोन के अंदर सिक्योरिटी को बहुत बेहतर कर दिया गया है ताकि आप कोई भी नॉर्मल इस तरीके से मोबाइल फ़ोन को लॉक नहीं खोल सकता। यूट्यूब में वीडियो देख करके आप उसको बाईपास नहीं कर सकते, उसके लिए हमको सॉफ्टवेयर डोंगल की भी स्पेशली ज़रूरत पड़ती है। इंस्टॉलिंग अपडेट के लिए जा रहा है, यहाँ पर समय लगता है थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पर वो अपने जीमेल आईडी को फाइंड कर रहा है। जस्ट सेकेंड।
अब हम लोग इसी मोबाइल फोन को अनलॉक टूल के माध्यम से ट्राई कर रहे हैं कि जैसे आप लोगों ने उससे किया था वैसे आप अनलॉक टूल से ट्राई करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्री ऑर्डर इरेज FRP का ऑप्शन आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट कराएंगे ऐसे, मोबाइल फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा, ऑपरेशन चलेगा और इसका FRP टूट गया। ओके, अब ये मोबाइल फ़ोन चालू होगा। चालू होने के बाद अब हम, मेरा ये बताने का मतलब है कि हमने उसी मोबाइल फ़ोन को जब हमने डोंगल से तोड़ा तो उसमें FRP नहीं हुआ, जब हमने अनलॉक टूल के माध्यम से तोड़ा तो FRP हो गया। तो इससे ये बात साबित होती है कि कहीं कहीं पर हमारा UMT डोंगल वीक पड़ जाता है और अनलॉक टूल जो होता है लॉक तोड़ने की प्रोसेस में आगे निकल जाता है। लेकिन जो नए मोबाइल फ़ोन के लिए, न्यू सिक्योरिटी के लिए, लेकिन जहाँ पर पुराने मोबाइल फ़ोन की बात आती है तो वहाँ पर अनलॉक टूल पीछे रह जाता है, वहाँ पर डोंगल के अंदर सिक्योरिटी अपडेट हो जाती है। अब चलिए देखते हैं फिलहाल FRP इसका टूटा कि नहीं टूटा। फिर वही चेकिंग अपडेट्स पे है ये, जब जैसे चेकिंग अपडेट्स हो जाएगा तो उसके बाद तब आगे ऑप्शन हमारा हाईलाइट होगा। नेक्स्ट, अब देखिए पहले यहाँ पर आईफोन का ही ऑप्शन आता था, एंड्रॉयड का ऑप्शन नहीं आता था। अब जब से FRP टूट गया तो इसमें एंड्रॉयड का भी ऑप्शन आ गया। देखिए इसका ऑप्शन हाईलाइट हो गया, FRP टूटा, स्किप ऑप्शन आ गया। देखिए पहले स्किप ऑप्शन नहीं आ रहा था, FRP टूट गया। अब आप जैसे स्किप वाले ऑप्शन को ओके करेंगे, स्किप एनी वे, और गूगल के सर्विसेज आगे के चालू हो जाएंगे। ये आपका मोबाइल फोन ऑन हो गया। तो हमने डोंगल से भी तोड़ के देखा, अनलॉक टूल से तोड़ के देखा, तो मोबाइल फोन में लॉक तोड़ने के प्रोसेस में रेस में जो निकला अनलॉक टूल आगे निकला, वन क्लिक में उसने लॉक को आसानी के साथ में ब्रेक कर दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही,